मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को उज्जैन में भारत माता मंदिर की स्थापना करने वाले स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। सत्यमित्रानंद गिरी महाराज का लगाव बचपन से ही अध्यात्म और संन्यास की तरफ था और यही वजह थी कि उन्होंने छोटी सी उम्र में संन्यास और अध्यात्म का रास्ता अपनाया और पूरा जीवन सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के प्रचार में लगा दिया। सनातन संस्कृति के पुरोधा और विश्व भर में वैदिक संस्कृति का प्रचार करने वाले जगत गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की रुचि शुरू से अध्यात्म की तरफ थी और यही वजह थी कि बहुत कम उम्र में उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया। उत्तर प्रदेश में जन्मे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने देवभूमि उत्तराखंड में अंतिम सांस ली। 19 सितंबर 1932 को आगरा में जन्म, बचपन से अध्यात्म और संन्यास में रुचि, कम उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग, 25 जून 2019 को 87 वर्ष की उम्र में निधन। सांसारिक जीवन को त्यागने से पहले लोग उन्हें अंबिका प्रसाद पांडे के नाम से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास और अध्यात्म का रास्ता अपनाया तो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के नाम से जाने गए। महज 26 साल की उम्र में भानपुरा पीठ के शंकराचार्य बने। करीब 9 साल तक वो शंकराचार्य बने रहे। 1969 में उन्होंने इस पद को त्याग दिया। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने शंकराचार्य का पद भले ही त्याग दिया हो, लेकिन उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा और हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना की। 1983 में भारत माता मंदिर की स्थापना, पूरे जीवन काल में 65 देशों की यात्रा, 2015 में पद्म भूषण से सम्मान। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के ज्ञान का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ आम जनता बल्कि पीएम मोदी से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति और कई बड़े नेता भी उनका सम्मान करते थे। ऐसे महापुरुष के ब्रह्मलीन होने से ना सिर्फ संत समाज को आघात लगा था बल्कि सनातन धर्म के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति पहुंची। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 87 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें हरिद्वार के भारत माता मंदिर के राघव कुटीर में समाधि दी गई। टीम न्यूज से। देवाधिदेव महादेव, उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के भक्तों ने अपने बाबा को इतने दान दे दिए हैं कि भंडारा भर चुका है। ये हुआ कैसे, आइए देखते हैं बाबा महाकालेश्वर की महिमा की कहानी। देने वाले का ही भक्तों ने भर दिया भंडारा। महाकाली